बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर में 12वीं बोर्ड के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक छात्र का एक दिन पहले 12वीं का रिजल्ट आया था, जिसमें उसे गणित विषय में सप्लीमेंट्री आई थी और इसी वजह से दुखी होकर छात्र ने अपने निवास में फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल इस घटना से सबक लेकर शिक्षकों ने ऐसे छात्र और उनके पालकों से हिम्मत रखने और निराश न होने की अपील की। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय नगर में रितेश नाम का लड़का 12th का स्टूडेंट है, तो इसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। जब सुबह जब पता चला पुलिस को, तो पुलिस मौके पे गई, वहाँ जा कर के देखा तो उसने फांसी लगा लिया था। अंदर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा तोड़ करके फिर उसकी डेड बॉडी निकलवाई और उसका PM कराया जा रहा है। परिवार अभी चूंकि शोकाकुल है, अभी चूंकि उनके घर में इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, तो उनके कथन वतन अभी लेंगे, उसके बाद ही कुछ इसमें आगे जांच में पता चल पाएगा। कल MP बोर्ड का 10वीं कक्षा का और 12वीं कक्षा का परिणाम आया था और देखने में ये आ रहा है कुछ छात्रों का परिणाम थोड़ा बिगड़ने की वजह से भी तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आने के कारण कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से ये अपील है कि वे जो है अपने बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना बनाएं, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना एक कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से ही उनका रिजल्ट आता है। असफलता केवल यह सिद्ध नहीं करती कि उसके सारे रास्ते ख़त्म हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें छात्र अपना भविष्य बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर वो अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है।